कर क्या उनके पास खड़ी हो दरमियान में आए जैसी है ना अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो जी हम आए हैं चेस वैल्यू सेंटर। मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की वो मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो के एंड पे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की वैरायटी, यहाँ की शूज़ आइटम्स और बैग्स और दूसरी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स, गारमेंट्स हो गए हैं और कॉस्मेटिक और बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और ईद भी नज़दीक है तो उन लोगों के लिए आइडिया हो जाएगा जिन लोगों ने यहाँ से एक ही छत के नीचे से सब कुछ लेना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरह का ब्रांड यहाँ पर, हर तरह के ब्रांड का आउटलेट यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ ब्रांड्स की फ़र्स्ट कॉपीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और नॉन ब्रांडेड जो सूट होते हैं ना, जो बहुत अच्छी क्वालिटी में सूट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और हर तरह से रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब कि ये वो वाहिद मॉल है जहाँ पर जाकर इंसान खाली हाथ नहीं आ सकता। अच्छा जी, इसके एंट्रेंस पे ही लाइम लाइट और लाइम लाइट के बिल्कुल सामने आपको मिनीसो नज़र आएगा। मिनीसो तो हम नहीं गए और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, तो वो भी आपसे शेयर करूंगी ज़रूर। तो जी ये थी हमारी शॉपिंग जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा वहाँ से, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस में चीज़ें मुझे मिली वहाँ से। और अभी हम सिर्फ विज़िट करने गए थे तभी मैंने थोड़ी सी चीज़ें ले ली, और उसके बाद जब इंशाल्लाह ईद की शॉपिंग के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी फुल शॉपिंग हॉल। और यहाँ पर ये दो रिंग्स मैंने अपने लिए ली थी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, और मुझे इसी तरह से हल्की हल्की सी ज्वेलरी जो है वो अच्छी लगती है। और ये मैंने अपने लिए लिए थे एयररिंग्स जिनके नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं, इस तरह से झुमकी बनी हुई है छोटी छोटी सी, और ये बहुत रीज़नेबल ज्वेलरी मुझे मिली थी। और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए थे, बिल्कुल मेरे जिस तरह से मेरी झुमकी है उसी तरह से हैं, लेकिन बस उसमें पर्ल्स लगे हुए हैं और ये प्लेन थी। और उसके बाद इन सभी की प्राइजेस बहुत नॉर्मल हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकल मार्केट से भी ज़्यादा सस्ती लगी मुझे। और उसके बाद जो है टोटल बिल मैं आपको बता दूंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी रीज़नेबल चीज़ें थी। तो ये एक आयत के लिए मैंने लिया था। उसके बाद आयत के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा हेयर के लिए उसके पोनियाँ और इस तरह से क्लिप्स और कैचर्स, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से ले ली थी जो भी मुझे अच्छी लग रही थी, बस मैंने रेंडमली ले ली थी क्योंकि मैचिंग हो जाती है। फिर आगे ईद आ रही है तो उनके साथ फ्रॉक्स वगैरह
जो भी आती हैं तो कोई ना कोई मैचिंग हो जाती है। तो ये एक बहुत प्यारी सी चीज़ है। और ये है जी छोटा सा मिनी बैग जो मैंने आयत के लिए लिया है, और ये जीन्स के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से बैग, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों की रख दें तो वो बहुत ईजी भी रहता है और बहुत डिसेंट लगता है। तो ये मैंने एक उसके लिए लिया, और उसके बाद एक ये मैंने लिया था न्यू बॉर्न बेबी के लिए। बहुत प्यारा सा क्यूट सा ड्रेस है, कैप भी है इसके साथ, और बहुत प्यारा सा इसका स्टफ़ है। और ये मैंने गिफ्ट करना था किसी को। और उसके बाद जो है ये मैंने एक लिया था एलोवेरा जेल, और एलोवेरा तो मेरे घर पे भी लगी हुई है, लेकिन मैं सोची थी कि ये वाला ट्राई करूँ कि ये किस तरह से होता है, तो ये लिया है। और उसके बाद जी कोकोनट ऑयल लिया है हेयर्स के लिए, और ये हेमानी का है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। उसके बाद मैंने ये लिया था एक फेस वॉश एक्ने के लिए, और आजकल स्किन काफ़ी ख़राब हो रही है तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। ये भी ऑर्गेनिक सा कोई था, नेचुरल सा हर्ब्स वाला, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं और ट्राई करते हैं कि किस तरह से है। ये भी आई थिंक हेमानी का था। और ये छोटा सा टाइनी सा हैंड सैनिटाइज़र मुझे वहाँ पर साइन इन करने पर मिला था फ्री, और ये काफ़ी अच्छा हैंडी सा है और अच्छा है, एलोरा का या शायद पता नहीं क्या इसका नाम है। और हैंडी पॉट एक हमने लिया था, और जो है ये तो बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ है जो मुझे चाहिए भी थी, और पहले भी हैं घर में, लेकिन कुछ उनकी वर्किंग अब कम हो गई है, ज़्यादा जो है ना सही वर्क नहीं कर रहे थे। तो छोटे बच्चों का जो स्टमक होता है ना, वो मिनरल वाटर से जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनका डिस्टर्ब होता है, तो उनको बॉयल वाटर ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आयत को भी बॉयल वाटर देती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लिया, और ये ऑफ़र पे था और बहुत अच्छा मिल गया। और ये सब चीज़ें ली थी जी हमने चेज़ वैल्यू सेंटर से, और इनका टोटल अमाउंट बना था 2,500 रुपये। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना रीज़नेबल है ये मॉल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।